सो दिस इज एन शुप्रिया, असिस्टेंट केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट योर फेवरेट यूट्यूब चैनल, इट इज़ वेदांत नीट मेडिजी। तो बच्चे, मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम स्ट्रेस से, जो कि आजकल के जो कि अभी टाइम चल रहा है, कोरोना वाला टाइम चल रहा है, तो इस सिचुएशन में स्ट्रेस्ड फील करना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत लोग फील कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का टेंशन है कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाए, कहीं हमारे लव्ड वन बीमार ना पड़ जाए, मतलब इस तरीके से ये फैल रहा है जो कोरोना वायरस है एंड ऑल। फिर ये भी टेंशन है कि कहीं हम अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, मतलब कर पा रहे हैं या फिर हम उनके साथ नहीं, अगर हम उनसे दूर रह रहे हैं। एंड फिर बहुत लोगों की जॉब भी जा रही है इस कोरोना वाले सिचुएशन में, तो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे टेंशन से लोग गुजर रहे हैं। और फिर हमारे पास ज़्यादा आउटडोर काम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो हम ऑल टाइम रूम में रहते हैं और इस रीज़न से हमारा माइंड ज़्यादा सोचता है, नेगेटिव चीज़ें सोचता है। तो इस रीज़न से स्ट्रेच फील करना, नेगेटिव फील करना, टेंशन में होना, एंग्जाइटी को फील करना, ये बहुत ही नॉर्मल है, वो सबके साथ होता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हम इन सारे सिचुएशन को डील कैसे करें, किस तरीके से हम इन सारे सिचुएशन को डील करें। और इनफैक्ट जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक और भी प्रॉब्लम आ रही है कि एग्ज़ाम बार बार जो है आपका पोस्टपोन्ड हो रहा है, जो भी आपके ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं, फिर जो भी चीज़ें हैं, इनफैक्ट आपके एग्ज़ाम्स हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसके कारण आप जो है एनएक्सियस और फिर एनएक्सिटी या फिर स्ट्रेस्ड वगैरह फील कर सकते हो इस टाइम पे, जो कोरोना वायरस या कोविड वाला जो टाइम है। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने आप को जो है पॉजिटिव कैसे फील करवाएं, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो कुछ टिप्स हैं जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप जो है वो अच्छा फील करोगे इस टाइम पे भी और पॉजिटिव फील करोगे। तो पहला टिप है कि अगर आपको कभी भी स्ट्रेस्ड फील होता है तो तुरंत अपने जो लव्ड वंस हैं, जो अपनी फैमिली हैं, जो अपने फ्रेंड हैं, उन्हें कॉल करो और उनसे चीज़ें शेयर करो। इससे आप हल्का महसूस करोगे और पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है बच्चे। एंड फिर ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहने की कोशिश करो अपने लव्ड वंस की एंड फ्रेंड्स के। चाहे अगर आप उनसे दूर रहते हो तो फिर आप जो है वीडियो कॉल के थ्रू उनसे कनेक्ट कर सकते हो। और जो है अगर आपको किसी भी तरीके का इशू, मतलब हेल्थ रिलेटेड इशूज फील होता है, चाहे वो बहुत ही छोटा क्यों ना हो, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करो, क्योंकि इस टाइम पे आप इग्नोर नहीं कर सकते चीज़ों को। चीज़ें जो है वो बहुत ही माइल्ड स्टेज से बहुत ही सीरियस स्टेज में जा रहा है, तो अगर आप उसे इनिशियल स्टेज पे ही अगर रोक दो तो आप बहुत सारे जो मुसीबतों से आप बच सकते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। जो थर्ड थिंग है वो है कि आप रूटीन मेंटेन करो, जो है आप रेगुलर जो है टाइम पे उठो, काम करो अपना प्रॉपर जो है डेली रूटीन, जो आप पहले जो लॉकडाउन वगैरह से पहले फॉलो करते थे, वही सेम रूटीन जो है अभी फॉलो करो। बस आप बाहर मत जाओ, लेकिन सारे रूटीन जो आप डेली रूटीन फॉलो करते थे, टाइम पे उठना, टाइम से सोना, ये सारी चीज़ों को फॉलो करो। एंड अपनी एक हेल्दी डाइट जो है वो मेंटेन करो, मतलब कोई भी ज़्यादा जो है ऑयली चीज़ें या फिर कोई भी ऐसे जंक वाली चीज़ें, जंक फूड एंड ऑल, ये सब चीज़ें अवॉइड करो। और जो हेल्दी चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हो सके जो कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज़ करे और आपको अच्छा फील करवाए, वैसे चीज़ों को खाओ। एंड जो है और भी चीज़ें हैं जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। उनमें से एक है आपका कि अपने आप को रेगुलर जो है नए नए कामों में इन्वॉल्व रखो, जिससे कि आपका दिमाग जो है वो टारगेट ओरिएंटेड रहेगा और आप जो है एनएक्जिटी एंड स्ट्रेस्ड फील नहीं करोगे, पॉजिटिव फील करोगे। तो हमेशा अपने आप को रेगुलर काम, चाहे वो पढ़ाई वाला काम हो, चाहे और कोई हाउस होल्ड वर्क हो, इनमें अपने आप को इन्वॉल्व रखो, जिससे कि आप पॉजिटिव फील करो, कंटिन्यूस पॉजिटिव फील करो। और फिर जो है और मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जो है आपको पॉजिटिव फील करने में हेल्प करता है, तो मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो तो मेडिटेशन रेगुलर करो। 5-10 मिनट के लिए भी रोज़ अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप बहुत अच्छा फील करोगे। और जो है और भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अच्छा फील कर सकते हो। तो जो है अगर आप ये कुछ देर जो है अगर आप कुछ देर जो लाइक जो अगर कुछ देर अगर आप वॉक कर सकते हो कहीं पे भी, चाहे अपने टेरेस पे हो सकता है या फिर जो है गार्डन एरिया अगर आपका है या फिर थोड़ी देर जो लोकल एरिया में अगर आप वॉक कर सकते हो, तो फिर
आप वॉक करो जिससे कि आप अच्छा फील करो, ठीक है बच्चे। तो ये सारे जो हैं कुछ टिप्स जिसके थ्रू आप अच्छा फील कर सकते हो इस लॉकडाउन के टाइम में भी और इस कोविड के टाइम पे भी आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आप पॉजिटिव फील करोगे। तो आई होप कि आपको ये सारे जो है वो आप इस सारे टिप्स को फॉलो करोगे और फिर जो है पॉजिटिव फील करोगे इस टाइम पे भी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।